तो फाइनली दोस्तों, अगर आप रेडमी 5 के यूजर्स हैं तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है दोस्तों। हम लोगों के डिवाइस में जो है एमआईटी की जो ग्लोबल बीटा रोम की अपडेट है, जिसका वर्जन है 10.11.14, जो एक नाइटली बिल्ड है दोस्तों। शाओमी ने सभी रेडमी 5 यूजर्स को नाइटली बिल्ड दिया, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को जो कैमरा के बग्स देखने को मिल रही थी उसे दोस्तों फिक्स करने के लिए हम लोगों को नाइटली बिल्ड का अपडेट दे दिया। तो अगर मैं आपको सेटिंग में जाकर दिखा दूँ अबाउट फोन में, तो दोस्तों अभी देख सकते हैं कि मेरा जो रेडमी 5 है और जो मेरा एमआईवाई का वर्जन है 8.11.1 वाली अपडेट है। तो दोस्तों मैंने आपको अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताया था कैसे मैंने अपने फ़ोन में 8.11.8 को अपडेट करने के बाद फिर से दोस्तों मैंने डाउनग्रेड कर लिया था कस्टम रिकवरी की मदद से। तो दोस्तों अभी जो है मैं 8.11.1 पे हूँ, और जो आप सिस्टम अपडेट में दोस्तों आप लोगों को दिखा दूँ कि मुझे जो अपडेट मिली है 1.44 GB की मिली है, तो मैं इसे डाउनलोड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि MIUI 10 8.11.14 नाइटली 1.3 GB, जिसमें दोस्तों लिखा हुआ ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, इंप्रूव सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो दोस्तों इसमें तो सिर्फ दो ही चीज़ लिखी हुई है, लेकिन दोस्तों हम लोग को जो मेन हाईलाइट फीचर इसमें हम लोग को दी गई है वो है दोस्तों, हम लोग जो कैमरा की इशू थी वो फिक्स हो गई है। उसके अलावा जो हम लोग दोस्तों कॉलिंग की इशू देखने को मिलती थी दोस्तों, उसको भी फिक्स कर दिया गया है। तो आई की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा अपने फ़ोन को अपडेट करने के बाद पूरी, कि हम लोगों को बाकी वो बग्स फिक्स देखने को मिली है या नहीं मिली है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि हम लोग को जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच अभी यहाँ पर है जो है जुलाई की है, एंड्रॉइड वर्सन है जो एंड्रॉइड नूगट पे है। और जो वर्सन आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है मेरा दो वीक पहले की है, लेकिन जो अपडेट मिली है नाइटली बिल्ड मिली है। तो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी अपडेट किया था 8.11.8 के अपडेट में, तो आप लोगों का तो ऑलरेडी एंड्रॉइड ओरियो में अपडेट हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों उसके साथ ही साथ हम लोगों को जो कैमरा में बग्स देखने को मिली थी तो वो तो देखने को मिली थी, लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने 8.11.1 अपडेट किया तो उन्हें जो अपडेट मिली है दोस्तों वो दोस्तों 7 MB दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं आपको MI कम्युनिटी में जाकर दिखा देता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनली कैमरा इज वर्किंग। तो हम लोग को जो अपडेट देखने को मिली थी यहाँ पर, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो अपडेट देखने को मिली थी आप देख सकते हैं यहाँ पर MIUI 10 8.11.14 नाइटली 2 7 MB। तो जो लोग ऑलरेडी 8.11.8 पे थे दोस्तों, तो उन लोगों को नाइटली बीटा में जो अपडेट देखने को मिली है दोस्तों वो है 2 7 MB की। लेकिन जो लोग उससे पुराने वर्सन पे है उन लोगों को फुल रोम की अपडेट देखने को मिली है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं क्या इसमें हम लोगों को कैमरा में पोर्ट्रेट देखने को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं कैमरा में तो हम लोग का जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, लेकिन दोस्तों हम लोग को यहाँ पर कैमरा में अभी भी हम लोगों का पोर्ट्रेट फीचर देखने को नहीं मिली है, और दोस्तों यहाँ भी हम लोग का फेस लॉक का फीचर देखने को नहीं मिली है। तो एक बार दोस्तों जब मेरा फोन जो ये अपडेट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ जो मेरा फोन है ये मेरा अपडेट हो रही है। तो जैसे दोस्तों अपडेट हो जाएगी फोन मेरा, मैं आपको दिखा दूंगा कि इसमें क्या क्या चेंज देखने को मिली है वाकई हम लोगों को। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिए, और चैनल पे पहली बार वीडियोस को देख रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप लोग ले जाता है। तो देख सकते हैं फाइनली जो मेरा फोन है अपडेट हो चुका है। मैं इसे रिबूट कर देता हूँ फाइनली अपडेट के लिए। तो जब तक ये फोन दोस्तों मेरा रिबूट होता है, तो मैं रिबूट के बाद आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चेंजेस हम लोगों को देखने को मिली है, कि हम लोग को रेडमी 5 में फेस डाटा का फीचर देखने को मिली है या फिर हम लोग कैमरा में पोर्ट्रेट का फीचर देखने को मिली है। दोस्तों सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो दोस्तों फाइनली मेरा फोन जो अपडेट हो चुका है, और मैं आपको सेटिंग में जाकर दिखा देता हूँ। तो अबाउट फोन दोस्तों मेरा वर्जन आप चेक कर सकते हैं 8.11.14, और दोस्तों यहाँ पर आप मॉडल नंबर देख सकते हैं रेडमी 5 एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच जो है दोस्तों नवंबर की हो चुकी है। MIUI वर्सन जो दोस्तों देख सकते हैं 8.11.14, और दोस्तों यहाँ पर एंड्रॉइड वर्सन देख सकते हैं एंड्रॉइड ओरियो की यहाँ भी हो चुकी है। तो हम लोग का एंड्रॉइड अपडेट हो चुका है। सिस्टम अपडेट दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा दूँ, सिस्टम अपडेट दोस्तों हम लोग की है चेंज हो चुकी है 8.11.14, लेकिन नाइटली यहाँ पर दिखा रहा है। दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ लॉक स्क्रीन पासवर्ड में दिखा देता हूँ, तो हम लोग यहाँ से दोस्तों कोई भी हम लोग को फेस डाटा या फीचर्स अभी तक देखने को नहीं मिली है। अब दोस्तों अगर मैं आपको कैमरा में दिखा देता हूँ, तो दोस्तों देख सकते हैं कैमरा हम लोग का काम कर रहा है नॉर्मली। मैं आप देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों कैमरा जो है हम लोग का अपडेट हो चुका है, कि हम लोग का नया इंटरफेस कैमरा में देखने को मिल गई जो पुराने वर्षन में हम लोग को देखने को नहीं मिली थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग का पोर्ट्रेट का फीचर अभी तक इनेबल नहीं हुआ। तो दोस्तों हम लोगों को नेक्स्ट वीक में आशा है कि हम लोगों को नेक्स्ट जो अपडेट देखने को मिलेगी अपने रेडमी 5 के लिए, तो हम लोग का पोर्ट्रेट का फीचर इसमें इनेबल हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों इसमें जो कैमरा का वर्सन है मैं आपको दिखा देता हूँ, कैमरा 2.0 अपडेट हो चुकी है। अगर आप लोग पुराने वर्सन पर है तो आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोग का कैमरा जो है 2.0 के वर्सन पर नहीं है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा फोन अभी जो है लैग कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा का जो वर्सन है 2.0 हो चुकी है। अगर आप लोग पुराने वर्सन पे है तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका कैमरा जो है अपडेट नहीं हुआ है। तो दोस्तों इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग को जो नेक्स्ट अपडेट देखने को मिलेगी हम लोग रेडमी 5 में, तो हम लोग को इसमें
पोर्ट्रेट का फीचर्स इनेबल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पोर्ट्रेट वाली फीचर हम लोग को जो देखने को मिली है वो नई वाली कैमरा में देखने को मिली है, इसके फोटो के बगल में हम लोग को देखने को मिलती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मैं ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।